Tag TV updates you about corona situation in Canada and around the globe. Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu only at Tag TV. कैनेडियन सूबे ओंटारियो में कोरोना वायरस के फैलाव में कमी 24 घंटों के दौरान 800 से कम केसेस रिपोर्ट 140 केसेस 12 साल से कम उम्र बच्चों में रिपोर्ट हुए। कैनेडा में वफाकी इंतखाबात में एक हफ्ता बाकी रह गया। सियासी जमातों की जानिब से इंतखाबी मुहिम में तेजी आ गई। सियासी हरीफों की एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी जारी। ट्रेंटो में वैक्सीन मुखालिफ मुजाहरे करने वालों को पुलिस की जानिब से वार्निंग। पुलिस की जानिब से कहा गया है कि अस्पतालों के बाहर मुजाहरे करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ट्रेंटो के मेयर ने एहतजाज को नाकाबिले कबूल करार दिया। कनाडा भर में कोरोना वायरस के फैलाव में इजाफा जारी है। मरीजों की मजमूई तादाद 15,38,093 तक जा पहुंची। हलाकतें 27,170 हो गईं। अमरीका ने 9/11 की FBI तहकीकात का पहला मुसवदा जारी कर दिया। सऊदी हुकूमत के हाई जैकर से राब्तों का कोई सबूत नहीं मिला। 9/11 मुतासरीन का दबाव था कि तहकीकात सामने लाई जाए। तालिबान का मखलूत तरीक़ तालीम को तर्क करने का फैसला। तालिबान का पंजशीर समेत अफगानिस्तान पर मुकम्मल कंट्रोल है। ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना था कि अफगानिस्तान का कोई हिस्सा ऐसा नहीं जहाँ तालिबान का कब्जा ना हो। दुनिया का कोई खत्ता कोरोना वायरस की मुदी वबा की चौथी लहर से महफूज नहीं। मुतासर अफराद की तादाद 22,55,74,713 तक जा पहुंची है, जबकि इस मुदी वायरस से अमवात 46,46,136 हो गई। हेडलाइंस आपने मुलाहिज़ा की और अब खबरें तफसील के साथ। ग्रीनिश हैंड सैनिटाइजर ना ऑयली ना स्टिकी ना बदबू और मुकम्मल अब्सॉर्प्शन और हाथ नर्म मुलायम और साफ। आज ही अपनी करीबी फार्मेसी से खरीदें या हमारी वेबसाइट पर ऑर्डर करें www.greenish.com। कैनेडियन सूबे ओंटारियो में कोरोना वायरस के फैलाव में कमी आ रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सूबे में कोरोना वायरस के 800 से कम केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। कैनेडियन सूबे ओंटारियो में कोरोना वायरस के फैलाव में कमी आ रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सूबे में कोरोना वायरस के 800 से कम केसेस रिपोर्ट हुए। सूबे में 7 रोज़ की औसत तादाद में भी मुसलसल कमी आ रही है। सूबाई सेहत के अहदेदारों के मुताबिक कोरोना वायरस के 784 नए केसेस रिपोर्ट हुए। ये तादाद हफ्ते के रोज़ 857 और एक हफ्ता कबल 811 थी। सूबे में कोरोना वायरस के नए केसेस में से 147 टोरंटो में, 73 विंडसर में, 67 पील रीजन में, 35 यार्क रीजन में, 57 हेमिल्टन में और 57 ओटावा में हैं। सूबाई हुक्काम का कहना है कि 140 केसेस 12 साल से कम उम्र के बच्चों में हैं जो अभी तक वैक्सीन के अहल नहीं हैं। हुक्काम का कहना है कि ओंटारियो में 12 साल और इससे ज़्यादा उम्र के 78% लोगों को कोविड-19 वैक्सीन की दो खुराकें और 84% को कम से कम एक खुराक मिली है। ओंटारियो की वजीर सेहत क्रिस्टियन एलिट का कहना था कि 602 केसेस या 77% ऐसे अफराद हैं जिन्हें मुकम्मल तौर पर वैक्सीन नहीं दी गई है या वैक्सीनेशन की नामालूम हैसियत है और 182 या 23% मुकम्मल तौर पर वैक्सीनेटेड लोगों में हैं। सूबे में इंतहाई निगहदाश्त में कोविड-19 मरीजों की तादाद में मामूली इजाफा देखा गया। वजारत सेहत के मुताबिक ओंटारियो के ICU में 184 मरीज कोविड-19 से मुतासिर हैं जो एक हफ्ते कबल 179 थे। कैनेडा में वफाकी इंतखाबात में एक हफ्ता बाकी रह गया। सियासी जमातों की जानिब से इंतखाबी मुहिम में तेजी आ गई है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कैनेडा में वफाकी इंतखाबात में एक हफ्ता बाकी रह गया। सियासी जमातों की जानिब से इंतखाबी मुहिम में तेजी आ गई। कंजर्वेटिव लीडर एरिन ओटूर, लिबरल लीडर जस्टिन ट्रूडो और NDP लीडर जगमीत सिंह वफाकी पार्टी के 3 अहम रहनुमा हैं। 20 सितंबर के होने वाले इंतखाबात अब सिर्फ एक हफ्ते की दूरी पर हैं। वोटर इस हफ्ते के आखिर में एडवांस पोल में वोट डालना शुरू कर सकते हैं। क्यूबेक सूबे में मुहिम के दौरान लिबरल लीडर जस्टिन ट्रूडो ने कंजर्वेटिव लीडर एरिन ओटूर और ब्लॉक क्यूबिकोस लीडर US फ्रांकोस ब्लांचे के खिलाफ जारहाना अंदाज अपनाया, जब उन्होंने मुसलसल दूसरे दिन अपने हरीफों को निशाना बनाया
ट्रूडो ने कहा कि ब्लांशे का माहौलियात के लिए खड़े होने का मिला जुला रिकॉर्ड है और वो कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए आगे बढ़ने में वाजे या मजबूत नहीं है। ट्रूडो ने 2019 में मॉन्ट्रियल के जुनूब में ब्लॉक से कई नशिस्तें हारी और उन्हें दोबारा हासिल करना उनकी जमात की बड़ी ख्वाहिश है। ट्रूडो ने कहा कि अगरचे वो और तमाम क्यूबिकर्स हमेशा वफाक के नुक्ता नज़र पर मुत्तफिक नहीं हो सकते, लेकिन उनका ख्याल है कि उनका नुक्ता नज़र माहौलियात, हथियारों पे पाबंदी और कोविड-19 वैक्सीनेशन जैसे मसाइल पर हम आहंग है। NDP लीडर जगमीत सिंह ने इंतखाबी मुहिम के दौरान कॉरपोरेट खामियों और टैक्स चोरी से ज़ाया होने वाली अरबों डॉलर की मुमकिन रकम पे बात की। उन्होंने लिबरल लीडर जस्टिन ट्रूडो पर इस मसले के हल के लिए कुछ ना करने का इल्ज़ाम लगाया। टोरंटो में वैक्सीन मुखालिफ मुजाहरे करने वालों को पुलिस की जानिब से वार्निंग दे दी गई है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। टोरंटो में वैक्सीन मुखालिफ मुजाहरे करने वालों को पुलिस की जानिब से वार्निंग दी गई है। टोरंटो पुलिस अस्पतालों के बाहर होने वाले मनसूबाबंद मुजाहरों में शिरकत करने वालों को खबरदार कर रही है कि अगर वो अस्पताल के कामों और आवामी तहफ्फुज़ में खलल डालते हैं तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। पुलिस की जानिब से ट्विटर पर जारी पैगाम में कहा गया कि वो लोगों के एहतजाज के हक का एहतराम करेंगे, लेकिन अस्पतालों में होने वाले कामों में मदाखलत नहीं करनी चाहिए। टोरंटो के मेयर ने एहतजाज को नाकाबिल कबूल करार दिया। टोरंटो के मेयर की हैसियत से मैं इस नामनिहाद एहतजाज में हिस्सा लेने वाले किसी भी शख्स की मुकम्मल तौर पर मजम्मत करता हूँ। ऑन्टेरियो के प्रीमियर डग फोर्ड ने भी मुजाहरीन के खिलाफ बात करते हुए कहा कि वो खुद गर्ज, बुजदिल और लापरवाह हैं। फोर्ड ने ट्वीट किया, हमारी सेहत की देखभाल करने वाले कारकुनों ने इस वबाई मर्ज के दौरान हम सबको महफूज रखने के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। वो इस किस्म के सलूक के मुस्तहिक नहीं है। वाजह रहे कि ये पहला मौका नहीं है कि कैनेडा के अस्पतालों के बाहर एहतजाज किया जाए। जब से वैक्सीन के मैंडेट का ऐलान किया गया है, अस्पतालों को वैक्सीन मुखालिफ मुजाहरों का निशाना बनाया गया है। कैनेडियन फ्रंट लाइन नर्सेस नामी ग्रुप ने एहतजाज का अहतमाम किया जो दूसरे सूबों में भी मुनक्किद किया जाएगा। ऑन्टेरियो में ये ग्रुप 5 शहरों के अस्पतालों के बाहर जमा होने का मंसूबा बना रहा है जिसमें टोरंटो भी शामिल है। टोरंटो के मेयर जॉन टॉरी ने कहा कि उन्होंने पुलिस चीफ जेम्स रॉमर से बात की है जिन्होंने उन्हें यकीन दिलाया कि अफसरान इस बात को यकीनी बनाने के लिए काम करेंगे कि अमला महफूज रहे और अस्पतालों तक रसाई बिला रोक टोक रहे। ऑन्टेरियो सूबे में कोरोना केसेस की तादाद सबसे ज़्यादा है। सूबे भर में कोरोना वायरस से मुतासर होने वालों की तादाद 5,72,978 तक जा पहुंची है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कनाडा भर में कोरोना वायरस के फैलाव में इजाफा जारी है। आखिरी इत्तलात के मुताबिक कनाडा भर में कोरोना के मरीजों की मजमू तादाद 15,38,093 तक जा पहुँची है, जबकि हलाकतें 27,170 हो गई। मुल्क भर में 14,71,725 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। ऑन्टेरियो सूबे में कोरोना केसेस की तादाद सबसे ज्यादा है। सूबे भर में कोरोना वायरस से मुतासर होने वालों की तादाद 5,72,978 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतों की तादाद 9,590 है। कनाडा में कोरोना वायरस के सबब सबसे ज्यादा हलाकतें क्यूबेक सूबे में हुई हैं। सूबे में कोरोना वायरस के मजमू केसेस की तादाद 3,96,034 है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बाइस होने वाली हलाकतों की तादाद 11,301 तक पहुंच चुकी है। कैनेडियन सूबे अल्बर्टा में भी इस मोहलिक वबा में इजाफा देखने में आ रहा है, जहां 2,66,037 अफराद कोरोना वायरस से मुतासर हुए हैं, जबकि 2,444 अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में केसेस की तादाद 1,73,158 है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 1,856 है। अमरीका ने 9/11 की FBI तहकीकात का पहला मुसविदा जारी कर दिया। अमरीकी हुकूमत मुतासरीन की जानिब से तहकीकात सामने लाने के लिए दबाव का शिकार थी। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। अमरीका ने 9/11 की FBI तहकीकात का पहला मुसविदा जारी कर दिया। अमरीकी हुकूमत मुतासरीन की जानिब से तहकीकात सामने लाने के लिए दबाव का शिकार थी। खबर एजेंसी के मुताबिक मुसविदे में हाईजैकर्स और अमरीका में सऊदी कौंसल खाने के दरमियान ताल्लुक पर तहकीकात सामने लाई गई। पहले मुसविदे में सऊदी हुकूमत के हाईजैकर्स से राब्तों का कोई सबूत नहीं मिला। 9/11 मुतासरीन का दबाव था कि तहकीकात सामने लाई जाए। दूसरी जानिब अमरीका में 9/11 हमलों के 20 साल पूरे होने पर
साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान से अमरीकी इनखिला की बद इंतजामी पर सदर बाइडन को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। उनका कहना था कि जंग का ये 20वां साल फतह और एजाज का साल होना चाहिए था, जिसे बाइडन और उनकी नाअहल इंतजामिया ने शिकस्त का साल बना दिया। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने बयान में कहा है कि अफगानिस्तान का कोई हिस्सा ऐसा नहीं जहाँ तालिबान का कब्जा ना हो। मुल्क के तमाम इलाकों में अमन बरकरार है। काबीना में मजीद अफराद की शमूलियत पर गौर जारी है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। तर्जुमान तालिबान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि तालिबान का पंजशीर समेत अफगानिस्तान पर मुकम्मल कंट्रोल है। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने बयान में कहा कि अफगानिस्तान का कोई हिस्सा ऐसा नहीं जहां तालिबान का कब्जा ना हो। मुल्क के तमाम इलाकों में अमन बरकरार है। काबीना में मजीद अफराद की शमूलियत पर गौर जारी है। दूसरी जानिब अफगानिस्तान मजाहमती महाज ने अहमद मसूद के मुल्क छोड़ने की तरदीद कर दी है। अफगानिस्तान के हायर एजुकेशन मिनिस्टर मौलवी अब्दुल बाकी हक्कानी ने यूनिवर्सिटीज में खवातीन की तालीम का तरीका कार वजह करते हुए को एजुकेशन को ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। मौलवी अब्दुल बाकी हक्कानी की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि खवातीन और मर्द अलहदा अलहदा तालीम हासिल करेंगे, ताहम खवातीन प्रोफेसर्स की अदम मौजूदगी में मर्द प्रोफेसर्स तालबात को तालीम दे सकेंगे। भारत में कोरोना वायरस से 4,42,907 हलाकते हो चुकी हैं, जबकि इससे मुतासर 3,32,64,175 मरीज सामने आ चुके हैं। मजीद अवाल इस रिपोर्ट में। दुनिया का कोई खित्ता कोरोना वायरस की मूजी वबा की चौथी लहर से महफूज नहीं। इसके मरीजों और इसके बाइस अमवात में मुसलसल इजाफा जारी है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासिरा अफराद की तादाद 22,55,74,713 तक जा पहुंची है, जबकि इस मूजी वायरस से अमवात 46,46,136 हो गई। 20,21,88,879 कोरोना मरीज सेहत याब हो चुके हैं। कोरोना वायरस के केसेस और इससे अमवात के एतबार से 10 सरे फहरिस्त ममालिक में 33 करोड़ से जायद आबादी का हामिल अमरीका ताहाल पहले नंबर पर है, जहां इस वायरस से अब तक 6,77,988 अफराद मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं, जबकि इससे बीमार होने वालों की मजमू तादाद 4,18,53,362 हो चुकी है। 1 अरब से जायद आबादी वाला मुल्क भारत कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद के हवाले से दूसरे नंबर पर है, जहां इस वायरस से 4,42,907 हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि इससे मुतासिरा 3,32,64,175 मरीज सामने आ चुके हैं। तुर्की में कोरोना वायरस से अमवात 59,886 तक जा पहुंची हैं, जबकि केसेस 66,58,251 हो चुके हैं। सऊदी अरब इसी फहरिस्त में 91 नंबर पर पहुंच चुका है, जहां कोरोना वायरस से अब तक कुल अमवात 8,623 रिपोर्ट हुई हैं, जबकि मुमलिकत में कोरोना मरीजों की तादाद 5,45,992 तक जा पहुंची है। टैक टीवी के न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैक टीवी। टैक टीवी अपडेट्स यू अबाउट कोरोना सिचुएशन इन कनाडा एंड अराउंड द ग्लोब। डेली कनेडियन न्यूज़ बुलेटिन इन हिंदी एंड उर्दू ओनली एट टैक टीवी।